गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन। आज मैं आपको यहाँ रक्षाबंधन से तीन कहानी सुनाने आई हूँ। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्यार का त्यौहार है। आप सोच सकते हैं कैसे एक मामूली सा धागा रिश्तों को जोड़े रखता है। आज हम इससे तीन कहानियाँ सुनने वाले हैं। पहला श्रीमद् भागवत कथा में वामन अवतार कथा के में वर्णन है कि राजा बलि का अहंकार चूर करने के लिए लक्ष्मीनारायण भगवान ने उनसे तीन पग जमीन मांगी थी। राजा ने हाँ कर दिया और भगवान ने तीन पग में आकाश पाताल धरती को नाप डाला। फिर भगवान ने राजा को रसातल में भेज दिया। तो राजा बलि ने भगवान से वचन ले लिया कि वह भी उनके सामने दिन रात रहेंगे। तो लक्ष्मी जी अकेली थी, तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से उपाय मांगा। नारद जी ने उपाय बताया कि आप राजा बलि को रक्षाबंधन की राखी भेजिए और उन्हें अपना भाई बना लीजिए। लक्ष्मी माता ने बिल्कुल ऐसा ही करा। उन्होंने राजा को राखी बेची, राजा को अपना भाई बना लिया और अपने पति को वापस ले आई। अगली कथा है, ऐसे ही श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया था। वध करते वक्त कृष्ण जी की उंगली में से खून बहने लगा। इसे देखकर द्रौपदी बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर कृष्णा जी के हाथ पर बांध दिया। तब से कृष्णा जी ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करा। और एक बार जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान ने अपनी बहन की राखी की लाज बचाई और उन्हें भरी सभा में बचाया। मध्यकालीन युग की एक और कथा प्रचलित है। जब राजपूत और मुसलमानों के बीच संघर्ष चल रहा था, तब विधवा रानी कर्णावती ने बहादुर शाह से बचने के लिए और अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने राजा हुमायूं को राखी भेजी थी। राजा हुमायूं एक मुसलमान होकर भी रानी कर्णावती की राखी को स्वीकार करता है और बहादुर शाह को हराता है और अपनी बहन की राखी की लाज बचाता है। इसी तरह यह तीन कहानियां प्रचलित हैं। धन्यवाद।